दोस्तों, कश्मीर तक डायरेक्ट ट्रेन का सपना अब बहुत जल्द पूरा होने वाला है। ट्रेन के कश्मीर तक पहुंचने की चांसेस लगातार बढ़ते जा रही है। USBRL प्रोजेक्ट के जितने भी चैलेंज थे, हमारी भारतीय रेलवे एक एक करके उन चैलेंजेस को पास करते जा रही है। ट्रेन के ट्रायल भी लगातार करवाए जा रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे गाइस कि ट्रेन ऑलरेडी संगलदान से बारामुल्ला के बीच में चल रही है। इसके अलावा संगलदान से रियासी तक का ट्रैक भी बिल्कुल कम्प्लीट हो चुका है, बस इसका उद्घाटन करना बाकी था। लेकिन जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद पहली बार वहाँ पर असेंबली इलेक्शन हो रहा है, जिसके वजह से जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कमीशन ने कोड ऑफ कंडक्ट को लगा दिया। इसके वजह से जम्मू कश्मीर में बन रहे किसी भी प्रोजेक्ट का उद्घाटन सरकार नहीं कर सकती है। यही कारण है कि रियासी से लेकर के संगलदान के बीच वाला जो सेक्शन है, उसका इनॉग्रेशन होते होते रुक गया। आपको बता देगा इसकी 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के इलेक्शन का रिजल्ट भी आ जाएगा, जिसके बाद जम्मू कश्मीर रूटी से कोड ऑफ कंडक्ट को हटा दिया जाएगा। इसके हटने के बाद कोई भी प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन कभी भी किया जा सकता है। तो सवाल आता है कि इसके बाद रियासी से लेकर के संगलदान वाला जो सेक्शन था, क्या वो ओपन होगा, या फिर कटरा से लेकर के संगलदान का जो सेक्शन बचा हुआ है, पूरा का पूरा USBRL प्रोजेक्ट तैयार होने के बाद ही इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा। आइए जानते हैं इसके बारे में कि जम्मू कश्मीर में डायरेक्ट ट्रेन कब तक मिलेगा, संगलदान से रियासी वाला सेक्शन जो है उसको ओपन किया जाएगा अभी, या फिर पूरा सेक्शन को एक बार ही ओपन कर दिया जाएगा। नमस्कार साथियों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। आपको बता देगा इसकी कटरा से लेकर के रियासी के बीच में 17 किलोमीटर का सेक्शन है, जिसका काम अभी अधूरा पड़ा है। ऐसा नहीं है कि पूरा अधूरा है, इसमें भी लगभग 80-90% काम पूरा हो चुका है। इसमें जो मेन काम बचा हुआ है वो अप्रोक्स 3 किलोमीटर का एक टनल है, जिसको कि टनल T1 बोलते हैं। बस इसी के वजह से USBRL प्रोजेक्ट का ये पूरा काम रुका हुआ है, वरना ये कब का ओपन हो गया रहता। लेकिन गाइस आपको बता दें कि इस टनल का भी पूरा कटिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। अब इस टनल के अंदर बस ट्रैक को बिछाया जाना है, जिसका काम काफी तेजी से चल रहा है। बताया तो जा रहा है कि 2-3 महीने के अंदर ट्रैक बिछाने का काम भी पूरा हो जाएगा। तो एक और टनल T1 में ट्रैक बिछाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर जो बाकी का फिनिशिंग का काम बचा हुआ है हर एक सेक्शन में, उसे भी पूरा किया जा रहा है। कटरा से लेकर के रियासी वाले 17 किलोमीटर के सेक्शन में भारत का पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज भी मौजूद है, और वो भी बन करके तैयार है। आपको बता देगा इसकी इस ब्रिज के ऊपर भी ट्रेन के इंजन के द्वारा ट्रायल रन लिया जा रहा है, यानी कि टनल T1, जिसे कि टनल 30 भी कहते हैं, अगर उसके काम को छोड़ दिया जाए तो बाकी का पूरा सेक्शन बन करके तैयार है। USBRL प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट रेडी। चिनाब ब्रिज के ऊपर ऑलरेडी ट्रेन का ट्रायल किया जा चुका है, इसको मैंने कई वीडियो में आपको बताया भी है। तो बहुत ज्यादा चांस है कि कटरा से लेकर के संगलदान रियासी सहित इस पूरे सेक्शन को एक ही बार इनॉग्रेट कर दिया जाए, यानी कि पूरा का पूरा USBRL प्रोजेक्ट ओपन कर दिया जाए। डायरेक्ट आप कटरा से कश्मीर वैली तक जा पाएंगे, और अब इसकी पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही है, क्योंकि रियासी से लेकर के संगलदान का सेक्शन जो ओपन होने वाला था, उसके इनॉग्रेशन में डिले हुआ, लेकिन जो टनल T1 का काम है वो काफी स्पीड से चल रहा है। आपको बताना चाहेंगे इसकी USBRL प्रोजेक्ट का जो असली काम है, वो 2002 में स्टार्ट हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में स्टार्ट तो हो गया था, ये सपना अटल बिहारी वाजपेयी का था, लेकिन बीच में जब सरकार चेंज हुई तो लगभग 10-15 साल तक इसका काम रुक गया। अब इस वाले प्रोजेक्ट को स्टार्ट हुए 23 साल होने वाले हैं, और 23 साल बाद भी ये बनकर के तैयार नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट तैयार होने वाला है, अपने लास्ट फेज में चल रहा है। टनल T1 जो वर्तमान में इस प्रोजेक्ट की सबसे डिफिकल्ट सेक्शन बनी हुई है, उसे भारत को स्वदेशी टेक्निक के साथ ब्रेक थ्रू आउट कर लिया गया है। तो जैसे ही टनल T1 के अंदर ट्रैक बिछ जाते हैं, बाकी फिनिशिंग का काम कम्प्लीट हो जाता है, तो बहुत जल्द चांस है कि पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को एक बार में ही इनॉग्रेट कर दिया जाए, देश को समर्पित कर दिया जाए। ऐसा अगर होता है तो दिल्ली से डायरेक्ट आप कश्मीर वैली जा पाएंगे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कश्मीर से लेकर के कश्मीर वैली तक आप जा पाएंगे बाय ट्रेन। टनल T1 को छोड़ करके रियासी से लेकर के कटरा वाले सेक्शन में जो भी सेक्शन पूरा हो चुका है, उस पर ट्रायल रन चल रहा है। अगर USBRL प्रोजेक्ट को लेकर के कोई बड़ी अपडेट आती है, इलेक्शन खत्म हो चुका है, बोर्ड ऑफ कंडक्ट हटने के बाद इसको लेकर के कोई बड़ी डिटेल आती है, तो उस पर मैं अलग से सेपरेट वीडियो ला दूंगा। बाकी गाइस आपको क्या लगता है, क्या इस साल के लास्ट तक ये USBRL प्रोजेक्ट तैयार हो पाएगा, या फिर 2025 में ही इसका उद्घाटन हो पाएगा 26 जनवरी में? चांसेस है, देखते हैं क्या होता है। आप क्या सोचते हैं कमेंट कीजिएगा, और ऐसे ही भारत के किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे बेल आइकन को जो दबाइएगा। नॉट थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।